नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, क्योंकि साइंस फील्ड में इंटरव्यू वीडियो हम दोस्तों दिखाते रहते हैं। तो चलिए हम जो है मॉडलर स्विच को जो है हम लूपिंग करके दिखाते हैं। तो ये है बेल स्विच सिंगल मॉडल में। तो दोस्तों बेल स्विच में जो है नीचे हम फेस का जो है कनेक्शन करेंगे, जिधर ये हाथ दिखा रहा है, और ऊपर जो है आउटपुट में कनेक्शन करेंगे जो बेल में पावर पहुँचाएगा। फेस यहाँ से मिल जाएगा आपको, न्यूट्रल वहीं से कनेक्ट करना होगा। दोस्तों जब भी मॉडलर चाहे कोई भी स्विच पहले बनाएं तो नीचे जो है पुट्ठा नीचे रख लीजिए, क्योंकि स्क्रैच नहीं आएगा इससे, तो अपना इतना सुंदर बना रहता है, स्क्रैच आ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों नीचे कुछ रख करके पुट्ठा वगैरह तभी कनेक्शन करिए। चलिए ये दो मॉडल का जो है सॉकेट लाए हैं, इसमें भी कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले हम जो है अर्थिंग का कनेक्ट करेंगे, और अर्थिंग कनेक्ट करने के बाद जो है फिर फेस कनेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि ये सॉकेट में तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल पे हम जो है अर्थिंग कनेक्ट कर दिए, दूसरा टर्मिनल पर जो है फेस कनेक्ट कर देंगे, फेस का वायर। देखिए फेस का वायर कनेक्ट कर दिए, जेड सिंबल दिखा रहा है मेरा आरो, और इसके बाद जो है मैं न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा। ये न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दो मॉडल जिधर भी आपको ये लगाना होगा पॉइंट को, तो जो है वहाँ पे तीन बार आपको खींचा हुआ मिलेगा। दोस्तों ये भी मेरा दो मॉडल कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो है हम 16 एम्पियर का जो है स्विच सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये मेरा 16 एम्पियर का है स्विच और सॉकेट तीन मॉडल में बोर्ड में। तो हम जो है इसको पहले 16 एम्पियर को दोस्तों जब भी कनेक्शन करें 16 एम्पियर, क्योंकि लोडेड चीज़ है, लोड इस पर पड़ेगा, तो 2.5 square mm के वायर से ही लूपिंग करिए, क्योंकि लोड रहता है। तो चलिए हम फेस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट किए, इसके बाद जो है ये स्विच में ऊपर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इधर से आउटपुट जो है स्विच करेगा नीचे स्विच में, हाँ इधर से आउटपुट स्विच करेगा, इसमें हम कॉन्टैक्ट कर देंगे इसको, और नीचे वाले पोजीशन में जो है हम फेस देंगे। तो चलिए दोस्तों ये 16 एम्पियर का मेरा ये भी सॉकेट स्विच का कनेक्शन जो है कंप्लीट होने वाला है। ये भी इसमें अर्थिंग लगा देंगे और न्यूट्रल लगा देंगे इधर साइड में। देखिए दोस्तों ये भी हो गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी तीन बार खींचा हुआ मिलेगा। ये भी 16 ही एम्पियर है, क्योंकि जगह जगह पर कैसा यूज करना है उसके हिसाब से हम लोग बनाए हैं इसको, तो उसके हिसाब से जो है मटेरियल तैयार है, उसके हिसाब से हम लोग को कनेक्शन करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये भी मेरे सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पे जो है कनेक्शन कर दिया, और स्विच के जो है जो आउटपुट जो है करेगा उस टर्मिनल पे हम जो है कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों स्विच के ये आउटपुट पावर देगा इसमें से, उसमें उस टर्मिनल पर हम कनेक्शन कर दिए, नीचे वो अर्थिंग है न्यूट्रल है कनेक्ट हम कर दिए। चलिए दोस्तों ये भी तीन मॉडल में मेरा है 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी तीन टर्मिनल लगे हैं, जिसमें एक फेस का कनेक्शन करेंगे, एक अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे, एक न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले हम फेस का कनेक्शन कर दिए ये स्विच में, क्योंकि बंद चालू इसी जगह से होगा, इसलिए इसको एक स्विच से कनेक्शन करके जो है हम लोग को बनाना पड़ता है। दोस्तों इसका भी कनेक्शन हम जो है कर दिए हैं, क्योंकि इसमें बच गया एक फेस जाएगा, न्यूट्रल जाएगा इसमें अर्थिंग जाएगा, तीन टर्मिनल बच गया है, आपको बोर्ड में तीन वायर मिलेगा। चलिए दोस्तों ये दो मॉडल का 6 एम्पियर स्विच है, जो कट वाला भाग है उसमें जो है दोस्तों हम फेस का लूपिंग करके छोड़ देंगे, और हाफ रहेगा तो ऊपर बोर्ड में मिलेगा, वहाँ लूपिंग करना पड़ेगा। तो ये भी हम जो है देखिए इसमें दो है, इसमें हम फेस का लूपिंग करके छोड़ देंगे, क्योंकि लूपिंग रहेगा खाली कनेक्शन ही करना रहेगा। तो चलिए हम जो है फेस का लूपिंग जो है दोस्तों कर रहा हूँ मॉडलर बोर्ड में। ये दो मॉडल पर दो लाइट जलेगा, इससे दो लाइट जलाएं, चाहे दो एग्जॉस्ट फैन चलाएं, जो भी चलेगा वो दो मॉडल चलेगा। चलिए ये मेरा टेलीफोन बोर्ड है 4 मॉडल, चलिए टेलीफोन बोर्ड 4 मॉडल में जो है हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो वो भी उसी हिसाब से होगा दोस्तों, क्योंकि इस सॉकेट में भी तीन टर्मिनल है, फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करके स्विच के
आउटपुट टर्मिनल पे जो है हम कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों ये भी मेरा लूपिंग तैयार ही हो गया है, क्योंकि कहीं जरूरत पे 6 एम्पियर का जरूरत लगता है तो वहाँ 6 एम्पियर यूज करते हैं, जहाँ 16 एम्पियर का जरूरत लगता है तो वहाँ 16 एम्पियर यूज करते हैं। तो ये दोस्तों ये टेलीफोन बोर्ड में मेरा कंप्लीट हो गया। आ गया दोस्तों ये मॉडलर 6 मॉडल है, जिसमें आपको 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट मिलेगा, 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों 16 एम्पियर के सॉकेट में जो है हम कनेक्शन कर रहे हैं 2.5 स्क्वायर वायर की वायर से। तो दोस्तों ये 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर है, इसमें 16 एम्पियर के सॉकेट से कनेक्शन हम कर दिए स्विच पे। तो दोस्तों इसमें जो है बाजू में 5 एम्पियर का ये सॉकेट लगा है, तो इसमें हम 1.5 स्क्वायर एमएम के वायर से जो है हम लूपिंग करेंगे। तो चलिए ये 1.5 स्क्वायर एमएम का ये वायर का लूपिंग करके छोड़ दे, अब चलिए हम जो है अपने स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो पहले जो है दोस्तों हम 16 एम्पियर के सॉकेट वाले कनेक्शन को स्विच में जो है कनेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको जो है कनेक्शन कर दिए हैं 16 एम्पियर सॉकेट का, क्योंकि इससे फ्रिज चलने वाला है, फ्रिज भी चलाएँ और इसके बाद गीजर भी चलाएँ चलेगा, क्योंकि लोडेड सॉकेट है। तो दोस्तों ये है मेरा 6 एम्पियर का सॉकेट, इसके 6 एम्पियर स्विच में कनेक्शन मैं कर दिया, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ जो है 3 वायर मिलेगा, ये प्लग पॉइंट है अपना, क्योंकि एक 16 एम्पियर का हो गया, एक जो है 6 एम्पियर का हो गया। तो दोस्तों क्योंकि उधर हमको न्यूट्रल फेस जो है एक एक वायर ही मिलेगा, तो इसलिए हम जो है इसमें हम पहले न्यूट्रल एक कनेक्शन कर देंगे और एक अर्थिंग कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इधर जो है जो हाथ का पंजा दिखा रहा है उधर जो है हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हुआ है। ये दोस्तों अर्थिंग कनेक्शन कर दिया, क्योंकि 16 एम्पियर का सॉकेट थोड़ा बड़ा उसका होल रहता है, इसलिए डबल वायर छिल के घुसाने में ईजी रहता है। चलिए दोस्तों ये दोनों यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया। और इसके बाद जो है दोस्तों हम ये 8 मॉडल का जो है लूपिंग करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम 8 मॉडल को भी लूपिंग करके जो है आपको दिखाएंगे। ये 8 मॉडल दोस्तों बोर्ड ऐसा है कि इसमें 2 सिस्टम चल जाए, जैसे मान लीजिए एक किचन का भी इसमें जो है कनेक्शन करते हैं और एक जो है बाथरूम भी चलता है, क्योंकि बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन और लाइट दो ही रहता है, इसलिए 2 स्विच इसके लिए काफ़ी है। तो हम जो है एक बोर्ड में 2 सर्किट भी लाना पड़ेगा, और 2 सर्किट ला करके अलग अलग सर्किट को हम डिस्टर्ब यूज कर देंगे, इसलिए हम जो है एक लूपिंग जो है 5 एम्पियर स्विच पे कर दिए और एक लोहे लूपिंग जो है हम 3 स्विच बचा है किचन के लिए तो हम उस पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद जो है ये 3 स्विच पे मैं लूपिंग निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों जहाँ दोस्तों 5 एम्पियर का स्विच लगा है वहाँ जो है कम से कम 1.5 स्क्वायर एमएम का जो है लूपिंग करिए। अब तो जो है एलईडी आ गया है, इतना लोड नहीं है अपना, फिर भी इसके बाद अपना काम से पेटेंट रहिए, क्योंकि लोड रहे या ना रहे मगर जो है अपने सिस्टम के हिसाब से जो है कनेक्शन करना मेरा कर्म है, उसके हिसाब से अगर करेंगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस जो मार्किंग दिखा रहा है ये मैं लूपिंग कर दे रहा हूँ तीनों को, क्योंकि एक 2 स्विच है साइड में जिधर हाथ से पकड़ा है उधर जो है बाथरूम साइड का है, क्योंकि 2 एक लाइट एक एग्जॉस्ट फैन चलेगा, इसमें एक फ़ैन और 2 लाइट चलेगा। तो चलिए दोस्तों मेरा ये भी कनेक्शन जो है हो गया है 8 मॉडल का, क्योंकि इसमें पंखे का जोड़